السلام عليكم. وعليكم السلام. अरे हमारी बेटी आ गई। अब ऐसे लेट हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जल्दी से ठीक हो जाए मामा। अरे बेटा इस उम्र में तो ये बीपी और शुगर ऊपर नीचे होती रहती, कुछ नहीं होगा। चला अच्छा, मैं आपके लिए बहुत मजे मजे की चीजें लाई हूँ, सूप लाई हूँ, ग्रिल्ड फिश भी लाई हूँ, खाना पड़ेगा सब कुछ। आज तो मजा आ जाएगा। बहू को देखते साथ ही आपकी तबीयत बेहतर हो गई। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? अशर बेटे, पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी बाकी बची है, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी छोटी सी बीमारी गड़बड़ा गई, अभी तो आपको बहुत साल जिंदा रहेगा। असल में दिन में तुम्हारी माँ और खिरद होती हैं यहाँ कमरे में, उनके सामने ये बातें नहीं की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ये बातें सुनो। बेटा मौत तो बरख है, आज नहीं तो कल हम सब नहीं जाना। मेरे बाद मेरी जगह तुम ही संभालोगे, घर में भी और दफ्तर में भी। बेटा बहुत से फैसले तुम्हें मेरे मशवरे के बगैर करने होंगे, बहुत बड़े बड़े फैसले। बेटा तुम्हें एक बहुत अच्छा बेटा बनना होगा, बहुत अच्छा शौहर साबित करना होगा अपने आप को। अशर, खैरत का ख्याल रखना, वो बहुत सादा है, बहुत मासूम है, उसे जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। तुमने उसका ख्याल रखना, तुम समझदार हो, मैच्योर हो, वो बहुत सादा है। अगर जिंदगी में उससे कोई गलती हो जाए तो उसकी सादगी जान के उसको माफ कर देना। मैंने अपनी मरती हुई बहन से वादा किया था कि मेरा बेटा उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वो मेरी बीवी है, मैं उसका ख्याल क्यों नहीं रखूंगा? तुम पर तो पूरा भरोसा है बेटा मुझे, लेकिन खैरत की मासूमियत से डरता हूं। बेटा वो उसने आपा के साथ बहुत बंद, सादा और मामूली जिंदगी गुजारी है। मुझे डर है कि कहीं कोई उसकी सादगी से नाजायज फायदा ना उठा ले। अशर, खैरत कच्ची मिट्टी की तरह है, तुम जिस सांचे में डालोगे वो ढल जाएगी। बेटा तुम उसको
दुनिया में जीना सिखाओगे। तुम ही उसे हौसला दोगे। बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि मैं तुम्हारी औलाद की खुशी देख सकूं। लेकिन रब की जो मर्जी, अल्लाह जब तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजे तो तुम मेरे पोती पोता को बहुत प्यार करना, उसे कहना कि उनके दादा उन्हें बहुत प्यार करते।